प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब प्रति व्यक्ति आय को फाइंड आउट करना हो तो हम देश की राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं और उसका जो भागफल आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, राइट। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? और इसको इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PCI। PCI का मतलब होता है पर कैपिटल इनकम। हाँ, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। चलिए अब प्रति व्यक्ति आय, नीचे का क्वेश्चन है आय और गरीबी से क्या संबंध स्थापित करना है, वो कैसे करना है बाद में बताएंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन पे। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे पहले भारत में 1868 ईस्वी में, कब 1868 ईस्वी में दादा भाई नरौजी, क्या नाम था उनका? दादा भाई नरौजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है भारत का, सबसे बूढ़े व्यक्ति की संज्ञा उनको दी जाती है। और दादा भाई नरौजी साहब ने 1867 में जब प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? मात्र 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया था। सबको समझ में आ गया? yes, चलिए ये था हमारा ये पहला क्वेश्चन डन। किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इनकम एंड पॉवर्टी में क्या रिलेशन है स्थापित करें। देखिए आय का मतलब होता है, मैं बता रहे हैं, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के यहाँ काम करता है, क्या करता है? काम करता। व्यक्ति के यहाँ काम करता है, ठीक है, काम करता है। बातें क्लियर समझ आ रही है सबको? हाँ। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ क्या करता है? काम करता है। और काम के बदले जो श्रमिक दिया जाता है, क्या किया जाता है? श्रमिक दिया जाता है उसे उसका आय कहते हैं, क्या कहते हैं? आय कहते हैं। दैट्स इट। समझिए कि मान लीजिए कि राम एक आदमी है जो श्याम के यहाँ काम करता है, ठीक है, या कहीं भी काम कार्यरत हो सकता है ना, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, तो राम एक व्यक्ति है जो श्याम के यहाँ काम करता है, बड़े दिन काम किया और शाम के समय जब हुआ तो काम करके जब घर तो छुट्टी हुआ उसको काम से, तो श्याम जो है ना उस काम के बदले उसको कुछ पैसा दे या फिर अनाज दे या कोई भी चीज़ दे, आखिर उसका तो श्रमिक ही हुआ ना। हाँ। क्या श्रमिक हुआ? तो श्रमिक जो उसका होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आय बोलेंगे, है ना। और समझिए, जब अगर आपके पास आय है, इनकम है, तो गरीबी भी आपके पास नहीं है। नहीं आएगी। अगर आपके पास इनकम नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, तो गरीबी आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहेगी। बात समझ में आ गया? हाँ। तो इनकम और गरीबी, तो इनकम का मतलब समझ में आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से आय का अर्जन हो रहा है, आय की प्राप्ति हो रही है ना। चलिए तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब भाई गरीबी क्या होता है? गरीबी मैंने इसे पिछले क्लास में गरीबी का क्लास कराया था, बता दिए थे गरीबी क्या। देखिए गरीबी किसको बोलते हैं समझिए, तब इसमें हम संबंध स्थापित। गरीबी का मतलब होता है जब मनुष्य को बता रहे हैं, गरीबी वैसी व्यवस्था है जिसमें 5
यहाँ पे पांच पांच मूलभूत मूलभूत इकाई में से एक का नाम होना, हाँ इकाई में से किसी एक का ना होना एक का ना होना क्या कहलाएगा? गरीबी। क्या होगा? गरीबी। ये जो हमने जो अभी लिखा है उसका जो परिभाषा है उसकी परिभाषा दिया था जिस व्यक्ति का नाम था प्रोफेसर केन्स। किसने दिया था? प्रोफेसर केन्स। प्रोफेसर केन्स साहब ने इसकी परिभाषा दी थी सबसे पहले कि भाई गरीबी इस टाइप से होगा, गरीबी इस टाइप से होगा। तो किसी व्यक्ति को कोई समस्या है और आप देख रहे हैं कि आय इनकम और पॉवर्टी में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन, यहाँ से आप इस चीज को लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए।